डॉक्टर साहिर पॉल को पूर्वी सिंहभूम जिला का सिविल सर्जन बनाए जाने पर जमशेदपुर की मशहूर सामाजिक संस्था झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के स्वागत भाषण के दौरान संस्था के अध्यक्ष रियाज शरीफ ने तमाम मेहमानों का स्वागत करते हुए बुजुर्ग डॉक्टर आलम अरका जैन यूनिवर्सिटी के VC का तमाम ऑडियंस से तारुफ कराया। रियाज शरीफ ने कहा कि डॉक्टर पॉल की शख्सियत समाज के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने कोविड के दौरान जमशेदपुर में डॉक्टर पॉल के द्वारा की गई सेवाओं को याद दिलाते हुए कार्यक्रम में उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की नकाबत कर रहे प्रोफेसर यहिया ने डॉक्टर पॉल की आरंभिक शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डॉक्टर पॉल ने जमशेदपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। फाउंडेशन ने आज एक प्रोग्राम रखा था, नए सिविल सर्जन जो डॉक्टर साहिर पॉल जो बने हैं सिविल सर्जन, उनके बनने की खुशी में उनको सम्मानित किया गया। सम्मान प्रोग्राम में अरका जैन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सफदर रजी साहब भी शामिल हुए, डॉक्टर आलम साहब शामिल हुए, करीम सिटी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल जकरिया सर भी आए थे। और इसी प्रोग्राम में झारखंड यूनिटी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की और झारखंड यूनिटी फाउंडेशन के मेंबर एग्जीक्यूटिव बेरर सारे लोग शामिल थे। प्रोग्राम काफ़ी कामयाब हुआ। प्रोग्राम जो है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर रियाज एंड हिज होल टीम ऑफ झारखंड यूनिटी फाउंडेशन, जो इन्होंने ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया। और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि इस ज़िले का सिविल सर्जन होने के बाद एक मौका इन लोगों ने दिया कि मैं लोगों से बात कर सकूं और बता सकूं कि आने वाले दिन में जो कोशिश करूंगा कि सरकार की जितनी भी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और गरीब से गरीब लोगों को हेल्थ और स्वास्थ्य से जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो मिलेगा। ऐसे थैंक यू वेरी मच झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन एक बार फिर से।